स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, फॉर्मेटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो फॉर्मेटिंग क्या होता है, जिसमें हम जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लिखते हैं उसको हमें स्टाइल चेंज करनी है, सपोज बोल्ड करना है, अंडरलाइन करनी है, कलर चेंज करना है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ओके, फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस of the document by changing the arranging the text, font, size, spacing and color in such a way this is looks more attractive। तो जो भी हमने लिखा है तो उसको हमें अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके टेक्स्ट के फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, उसमें स्पेस दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, तो ये सभी को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, वी कैन मेक ऑल चेंजेस रिलेटेड टू द फॉन्ट विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये होम टैब है। ओके, तो इसमें क्लिपबोर्ड अभी दिखाई दे रहा है ग्रुप एंड फॉन्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये है फॉर्मेटिंग के लिए। ये है फॉर्मेटिंग से हम यहाँ पर बोल्ड मतलब के डार्क कर सकते हैं फॉन्ट को, इटैलिक मतलब स्लांट कर सकते हैं, अंडरलाइन मतलब के फॉन्ट के नीचे हम लाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फिर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो ये सभी कुछ इसमें से हम कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट के कलर। ओके, चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, देर आर मेनी फॉन्ट्स अवेलेबल इन MS Word, वी कैन चेंज द फॉन्ट एनी टाइम टू गिव अ न्यू लुक टू द डॉक्यूमेंट। स्टेप टू द चेंज फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, स्टेप 1 सिलेक्ट द टेक्स्ट, स्टेप 2 क्लिक होम टैब, स्टेप 3 क्लिक ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट स्टाइल बॉक्स फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, देन स्टेप 4 सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट, द फॉन्ट विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो सभी कुछ करने के लिए हमें पहले तो फॉन्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अभी लिखा है PB कोटक स्कूल। ओके, तो यहाँ पर PB कोटक स्कूल लिखा है, तो पहले तो इसको क्या करना है, स्टेप 1 सिलेक्ट करना है, फिर होम टैब में जाना है, यहाँ पर होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, देन आफ्टर मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सब कुछ है। तो हम जाएंगे होम टैब के अंदर, उसके अंदर फॉन्ट, यहाँ पर आपको फॉन्ट दिखाई दे रहा है, ये फॉन्ट ग्रुप है, और यहाँ पर आपको फॉन्ट दिखाई दे रहे, बहुत सारे फॉन्ट हो गए, ड्रॉप डाउन या बटन है उस पर क्लिक करने से आप देख सकते हो कि बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पर अवेलेबल है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो मुझे जनरली मोनोटाइप कर्सिवा अच्छा लगता है, तो मैं ये सर्च करूँगी मोनोटाइप कर्सिवा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे, जैसे लिखा है वैसे ही फॉन्ट आपको दिखाई देगी, तो ये रहा मोनोटाइप कर्सिवा, तो मैंने ये ले ली। तो देखो यहाँ पर ऐसे फॉन्ट चेंज हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है पॉइंट, चेंजिंग फॉन्ट साइज, तो ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर साइज दिखाई दे रही है 20 अभी है, तो मुझे इससे भी बड़ी करनी है, तो सपोज मुझे 36 करनी है या फिर 48, तो लास्ट कौन सी होती है 72, ये 72 साइज है। ओके, आपको जितनी साइज आपको रखनी है उतनी आप रख सकते हो, तो मुझे 36 रखनी है, तो यहाँ पर 36 किया, तो स्टेप क्या हुआ, सेम स्टेप यहाँ पर भी हुआ साइज के लिए, होम देन फॉन्ट ग्रुप एंड देन क्लिक द साइज बटन, यहाँ पर साइज बटन है, पर जो भी इफेक्ट देनी हो तो उससे पहले आपको आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जरूरी होता है, ये मस्ट है, अगर ये नहीं करोगे तो कोई भी इफेक्ट आएगी नहीं। फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए बाद चेंजिंग द फॉन्ट कलर, तो सेम फॉन्ट कलर करने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पर यह ए दिखाई दे रहा है सबको। ओके, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन होगा, ऐसे करोगे तो आपको पूरा कलर बॉक्स दिखाई देगा, और मोर कलर में अगर यहाँ से कोई अच्छा नहीं लगता तो मोर कलर पर क्लिक करो, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, स्टैंडर्ड है और कस्टम है, तो स्टैंडर्ड पर करोगे तो यहाँ पर ये आप कोई भी कलर चूज करो,
और ओके दे दो, तो यहाँ पर ये कलर के फॉन्ट चेंज हो गए। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर आप इसके फॉन्ट चेंज करो, फिर साइज चेंज करो और फिर उसके फॉन्ट के कलर चेंज करो। नाउ नेक्स्ट इज बोल्ड, अप्लाइंग बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो यहां पर फिर से हम सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड पर क्लिक करेंगे। तो बोल्ड पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये डार्क हो गया, फिर इटैलिक जिस पर भी करोगे ये हाईलाइट होता जाएगा। यहां पर आपको येलो कलर का हाईलाइट होता दिख रहा है, इटैलिक पर क्लिक किया मैंने तो थोड़ा क्या होगा, स्लैंट हो जाएगा। देखो क्लिक करने के बाद और क्लिक करने के पहले तो इटैलिक किया है मैंने, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा क्या हो जाएगा, स्लैंट हो जाएगा ऐसे, और बोल्ड करने के बाद ये डार्क हो जाएगा। ओके, और अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ऐसे अंडरलाइन आ जाएगी। ये आपको सपोज मैंने अभी कंट्रोल जेड कर दिया, सब कुछ मैंने जैसे था वैसे पहले जैसा कर दिया, देख सकते हो आप। ओके, अभी क्या करना है, कलर भी मैंने ब्लैक कर दिया तो आपको पता चले बोल्ड भी निकाल दिया है। अभी क्या करेंगे, हमें करना है इसको राइट क्लिक करके, तो राइट क्लिक किया और यहाँ पर आपको फॉन्ट का पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। राइट क्लिक, माउस के मदद से राइट क्लिक करोगे आप, ये वाली ये जो होती है यहाँ पर रखोगे और ये यहाँ पर, तो राइट क्लिक ये वाली प्रेस करोगे तो ये शॉर्टकट मेनू आपको दिखाई देगा। ओके, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, देखिए। ओके, और शॉर्टकट की अगर हमें यूज करनी है तो हम करेंगे इसको सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ बी, कंट्रोल के साथ बी किया तो आप देख सकते हो कि ये बोल्ड हो गया। कंट्रोल के साथ आई किया तो क्या हो जाएगा, स्लैंट। कंट्रोल के साथ यू प्रेस किया तो अंडरलाइन। तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी मतलब बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई मतलब इटैलिक एंड कंट्रोल प्लस यू मतलब अंडरलाइन। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है। तो हमने सीखा आज क्या सीखा, फॉर्मेटिंग करने के लिए हमने फॉन्ट चेंज किए, साइज चेंज किया, देन आफ्टर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया और कलर चेंज किया। ओके, यहां तक रखेंगे, थैंक यू।